का मेला, ओ वहां रह गई एक गुड़िया और एक लल्ला। विपक्ष वाले, राहुल जी क्यों करते हो फालतू में हल्ला, घर पे बैठे रहो तुम तो लल्ला। मोदी जी हो गए हैं तैयार और बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में सरकार, तुम तो घर पे ही रहो लल्ला, नहीं तो पॉकेट मचाओगे वहां जाके हल्ला। तो हल्ला मचाने वालों का क्या होगा? हल्ला मचाने वाले का काम नहीं है यहाँ पे। किसका काम है यहाँ पे? काम करने वाले का काम है। हाँ, जो देश के खातिर काम कर रहे हैं, गरीबों के खातिर, जो राम का नाम, राम के खातिर काम कर रहे हैं, सनातन के खातिर खाने के लिए तैयार, फिर भी बना रहे हैं उनकी ही सरकार और उनकी, मोदी जी और योगी जी की होगी यहाँ तो जय जयकार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी स्वयं चल के आ रहे हैं तो मोदी जी को आना पड़ेगा, राम का बुलावा आया है, राम ने सरकार को बुलाया है। हाँ, आओ आओ अवध में मोदी जी बुलाते हैं राम। देखो सारी अयोध्या की पब्लिक खड़ी है तैयार, तुम्हारा करेंगे सत्कार। आओ आओ मेरे मोदी सरकार, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। अयोध्या में लग गया संतों का मेला और रह गया दिल्ली में लल्ला अकेला। जय श्री राम, जय श्री राम। जो लोग निमंत्रण मांग रहे हैं वही लोग राम को काल्पनिक बताते हैं। निमंत्रण मांगा नहीं जाता है, निमंत्रण तो दिया जाता है। हाँ, जिससे प्रेम होता है, जो व्यवहारी होता है, जो अपना होता है, अपने परिवार का होता है, उसको निमंत्रण दिया जाता है। विपक्ष वाले हमारे परिवार वाले नहीं है, विपक्ष वाले हमारे परिवार वाले नहीं है, ये तो हमारी बुराई करते हैं। जिन मोदी जी को 35 देश आके सलाम करते हैं, वहाँ जाके हमारी भारत की बुराई करते हैं लल्ला। इसलिए मत मचाओ फोकट का हल्ला, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी के हाथ में है विराट का बल्ला, तुम तो फील्डिंग ही करते रहो लल्ला। 2024 में फायदा मिलेगा मोदी, 2024 में फायदा मिलेगा योगी जी और मोदी जी को, भारी मतों से जीतेंगे, उनकी ही बनेगी सरकार। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं सरकार तो केवल योगी, केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। ना कोई मंदिर की राजनीति हो रही है, ना कोई मस्जिद की राजनीति हो रही है, यहाँ तो धर्म की राजनीति हो रही है। बस अपने अपने धर्म पे चलो और मस्त रहो। देखिए अयोध्या में राहुल गांधी आएंगे तो स्वागत करेंगे आप? राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे, उनको निमंत्रण नहीं मिला। वो 45 देश के आए थे, वहीं तो नहीं गए, वो विदेश में घूमने जाने का में मजा है उनको, रामलला के दर्शन करने में मजा नहीं है उनको। मैं तो कहता हूँ आना चाहिए बिना निमंत्रण के भी उनको, और सीखना चाहिए कि योगी सरकार ने कैसा काम किया, कैसा काम किया। जहाँ बरसों पहले मरघट हुआ करता था, वहाँ लता जी का लग रहा है गिटार, और कैसी है मेरी धार्मिक योगी सरकार, तो यहाँ क्या करेंगे वो टकरार, वो नहीं कर पाएंगे मोदी जी से टकरार। लोग लो कहाँ गए जो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले थे? उन्होंने तो चलाई थी, और यहाँ मोदी जी ने तो बिछवा दी फूलों की कली, और महक रही है अयोध्या की गली गली, कैसे चलेगी बाबू यहाँ संतों पे? अब नहीं चलेगी, अब तो देश की रक्षा होगी गोली से, देश की रक्षा होगी गोली से, वो देश चलेगा मोदी जी की बोली से। अयोध्या में आने वाले भाइयों, सफाई का ध्यान रखना, ऐसा लगे कहीं दुल्हन उतरी हो डोली से, कि जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भव्य स्वागत होने वाला है, हाँ भव्य स्वागत होने वाला है, फूलों की वर्षा होने वाली है, रोड सजाए गए हैं, मंदिर सजाए गए हैं, नदी के किनारे सजाए गए हैं, सारे अयोध्यावासी आतुर हो रहे हैं मोदी जी को देखने के लिए, और रामलला का उद्घाटन देखने के लिए सब ललित हो रहे हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी आ रही है, बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी आ रही है, और हनुमान जी तो वहीं बैठे हैं, वो भी आएंगे, अमित शाह जी हनुमान जी है आएंगे, हाँ। आएंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उग्रसन, मैं आसाम से आया हूँ जी। मैं एक महीना हो गया, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे अयोध्या में, मेरे राम आएंगे। हाँ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय, मेरे राम अयोध्या में आएंगे। और देखो ना हमारे कितने कितने बड़े बड़े संत महात्मा, बुजुर्ग संत महात्मा, महानात्मा, देखो महानात्माएं खड़ी है, ये सभी राम के दर्शन के लिए खड़े हैं। जैसे सबरी विलायत हो रही थी और गा रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, उनके स्वागत में मोदी जी आएंगे, और हम सब खड़े हैं तैयार,
और यहाँ है योगी की सरकार। तो जय जयकार जय जयकार, फिर उनकी ही बने सन 2024 में सरकार। हम सब है मोदी, हर घर मोदी, जिंदाबाद। कहना चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी उमंग, उमंग। हम लोग सन 72 से इस पार्टी में जुटे रहे और सब कुछ किया, लेकिन आज हम लोगों का जो है वो आज हम लोगों का ये आनंद का पूरा हुआ। आज हमारा संतों ने जब कसम खाई थी कि सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, वो भव्य मंदिर बनकर हो गया तैयार। और आज आ रही है मोदी सरकार, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है। ना ठंडी, ना ठंड लग रही है, ना भूख लग रही है, बस ये मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, 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 योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ राममय हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। आप आंदोलन में शामिल रहे? अरे हम सन 72 से रहे यहाँ, और हम लोगों ने जेल और सब सब कुछ सब देखा यहाँ का। जरा बताएंगे वो किस्सा जब यहाँ पे लोग बिना बुलाए आ रहे थे, वो दौर क्या था? अरे उस समय हम लोगों के लिए इतना बंधेज था कि जो जहाँ था वही कैद कर लिया गया, समझे। लेकिन आज हम लोगों की पूरी प्रसन्नता है, आजाद हुए। आज हमारे राम जी अयोध्या में पधार चुके हैं, योगी जी हमारे अयोध्या में आ चुके हैं। बोलो योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय। कहाँ से आना हुआ? अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर, हाँ हाँ। आज अयोध्या कैसी लग रही है? अयोध्या आज बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। जैसे पूरा राजधानी हो गई है, प्रदेश की राजधानी अयोध्या ही हो गई है। आज भगवान राम वास्तव में आ गए हैं, और 500 सालों का इंतजार करने के बाद आज हमको रामलला मिले हुए हैं। हम लोग आज बहुत खुश हैं। अयोध्या से हमारे सैकड़ों भाई आए हुए हैं गायत्री परिवार के जी। और गायत्री परिवार के लोग स्वस्तिवाचन का मंत्र के साथ, और जिससे ऐसे ही लगातार अयोध्या और मथुरा काशी सब संवरती रहे। स्वागत करके एक बार सुना के दिखाइए एक बार। चलिए सब एक साथ। ओम हरि ओम गणम का गणपति गुम हवा महे, प्रिया राम ता प्रिय पति गुम हवा महे, निधि राम ता निधि पति गुम हवा महे। पयो दयास्वते प्रति सह सन्त मह्यम ओं विष्णो नराट विष्णो विष्णो शिवरस विष्णो द्रवसि वैष्णवमस विष्णवे ओं अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवकेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे प्रचोदया भुव स्वतुर्वरे
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। बोलिए भारत माता की जय। आज हम लोग की याद आ रही है कि कैसे कैसे झेलना पड़ा और आज क्या दिन है। अब तो लग रहा सोचा था कि जहां पर चार ईंटों को गिराने में इतना संघर्ष करना पड़ा, आज इतनी आसानी से हजारों नहीं लाखों करोड़ों ईंट लग जाएंगे। जी हाँ, कल्पना नहीं थी जो आज हो रहा है। ये मैंने प्रधानमंत्री की देन है जो आज इस तरह का अवसर मिला है। हाँ, लेकिन आपके एक वोट की ताकत का एहसास आज हो रहा है। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। मैंने हम तो चाहते हैं इसी तरह चलता रहे और आगे जो इतिहास बना उसे काफी परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हुआ है। हाँ, जी, क्या नाम है आपका? राम मूर्ति यादव। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, अभी कार सेवक रहे हैं। कार सेवक, जब चौतरा जहाँ सीताराम का स्मरण होता था उसका उस चबूतरे को उजाड़ने में हम थे शुरू में। वहाँ की ईंटें उजाड़ के हम लोगों ने बाहर किया था और हमारे ग्रुप के अखंड जप रखे थे जी। गायत्री परिवार अखंड जप किया था, उसके बाद वो आंदोलन वहाँ शुरू हुआ उखाड़ने का। वो जोश कैसे आ रहा था इतना, वो जोश कैसा था, माहौल कैसा था? इतने जीवट वाले नौजवान थे हैं, बस केवल उजाड़ना वहाँ आ रहा था बनाने के लिए भगवान के मंदिर को। पहले बना था चोखा बाटी का, आने के बाद चोखा बाटी हम लोग खाए जी। तो असीमित ताकत नौजवानों की थी और हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम लोगों के अंदर वो बदलाव आना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति का जो अनुपम मेल है आज यहाँ भारत की समस्त संस्कृतियाँ आज मेल के रूप में इस नए घाट पर भगवान के विग्रह को स्थापित करने के लिए आए हैं। वो बताएंगे जरा नारे कैसे लगते थे उस समय अयोध्या के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, उस समय के हमारे विशेष नारे थे जी। जी, एक नारा वो भी था ना, एक धक्का और दो, क्या था वो? बोलो भारत माता की जय। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। सब साकार हो रहा है? सब जी, सब साकार हो गया, अभी कुछ बाकी है। बाकी है, कुछ बाकी है। कौन पूरा करेगा? है? हम पूरा करेंगे। हम मिलके करेंगे, हम पूरा करेंगे, एकदम पूरा करेंगे, मिलके पूरा करेंगे। मोदी पर भरोसा है? पूर्ण विश्वास है। ये अवतारी सत्ता है, ये अवतारी सत्ता महाकाल के अवतार के रूप में गुरुदेव ने कहा हम वीरभद्र, पांच वीरभद्र आएंगे, जो राजनेता हो धर्म के क्षेत्र के हो। तो राजनेता में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो युग परिवर्तन के लिए उनको चुना गया है और ये अवसर देखने को मिला है। पूरी दुनिया देख रही है कि आज युग परिवर्तन कैसे हो रहा है। गुरुदेव ने घोषणा किया था 21वीं सदी उज्ज्वल भवे, और 21वीं सदी जो है वो भारत का जगत गुरु बनेगा, हमारा देश पूरे विश्व गुरु का, पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा। और ये दुनिया देख रहा है, पूरा भारत पर टिकी हुई है भारतीय संस्कृति पर, कि कैसे जो है युग परिवर्तन हो रहा है। देखते देखते आपको कोई विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि वास्तव में हाँ होगा, पूर्ण हो रहा परिवर्तन होकर रहेगा। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, भारत जगत गुरु बनेगा, हमारा देश पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और पूरा विश्व गुरु, और सोने की चिड़िया कहलाएगा हमारा देश, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा ऋषि परंपरा। सावधान, नया युग आ रहा है, सावधान, सावधान, एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान, सावधान, सावधान। लेकिन आज भी कुछ लोग टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं अयोध्या की नगरी। यस, देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना नहीं पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन है, उनके मुरादे पूरे होने वाले नहीं हैं। जहाँ पर भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो, हाथ रख दिया है प्रभु ने, उसको कौन बाल बाका कर सकता है? जाको राखे साईया मार सके, जाको बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, तीनों लोक में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, तीनों लोक में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, आप एक बनेंगे,
एक बनेंगे, हम बदलेंगे, चल जहाँ पर अर्थ जाकर वक्त जाके जान से प्यारा 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 देश की रक्षा कौन करेगा, अर्थात की रक्षा कौन करेगा, प्लस रामचंद्र की। क्या आज क्या जोश आ रहा है, जोश तो आज हमारे भगवान का घर बन रहा है, हम लोग बहुत उत्सुक हैं, हमारे सपने साकार हो गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे, आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी लोटिया डूब गई, उनकी लोटिया डूब गई। उनको एक मैसेज और देना चाहेंगे कि अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी।